जरा याद कर। आपकी बीवी ने भी यही किया था आपके साथ? मतलब रुखसती से पहले आपको कहा था कि मुझे कोई दूसरा वकील पसंद आ गया है, इसलिए तुम छुट्टी करो। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरे दुख को कैसे समझ सकते? आप जो कर सकते हैं वो करिए प्लीज। Thank God. आप पहले कभी लेट नहीं हुए। I got a little worried. Please sit down. What would you like to have? Tea? Coffee? Coffee. मैं लाती हूँ। हादी भाई, हादी भाई आ गए। अम्मी हादी भाई आ गए। कागज बनवा लाया। अभी साइन नहीं किए, 15 मिनट दूंगा उसे, कहूंगा एक बार फिर सोच लो। हो सकता है। क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। तुम्हारे लिए तो वो एक मिनट के लिए भी सोचने को तैयार नहीं। जाओ बेटा, भाई को पेन ला कर दो। तुम दस्तखत करो और जाओ। जाने को कह रही हैं आप? अब तो तुम यहां आया ही नहीं करोगे, तो सोचा खुद ही मना कर देती। फिर तुम पर गुस्सा भी नहीं आएगा। याद आया करोगे तो, याद आओगे तो सोच लिया करूंगी। खुद ही तो मना किया था। मैं आया करूंगा खाला, अपनी खाला से मिलने तो जरूर आऊंगा। उसके तलाक मांगने से क्या बाकी सारे रिश्तों की भी तलाक हो जाएगी? हो जाएगी बेटा। अभी जब दस्तखत करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस घर की चौखट पर पैर रखना अब हराम हो गया तुम पर। लीजिए पेन।
अरे नहीं, इस काम के लिए तो मैं नया पेन खरीद के लाया हूं। देखो आप भी देखिए ना, आज इससे मैं अपनी किस्मत लिखूंगा और फिर संभाल के रखूंगा इसे। अंगूठी आज पहली बार उतार रहा हूं, आपकी कसम। ये देखिए उंगली पर अंगूठी का निशान। अब ये पता नहीं कब उतरेगा। बुलाएं उसे। अच्छा आप रहने दें, आपके मुंह से तो लग रहा आवाज नहीं निकलेगी। मानूर, मानूर आ जाओ, मैं कागजात ले आया हूं। आओ बेटा चलो। थैंक यू। अब आप फ्लैट छोड़ दें। आई नीड यू सो मच, मेरे करीब आ जाए, एट अ यू नो एट अ क्लोजर डिस्टेंस, कि मैं फोन करूं आपको और आप मिनट्स में मेरे पास आ जाए। आई थिंक मैं इस एरिया में फ्लैट आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, मैं अपार्टमेंट लूंगी। इन फैक्ट एक मिनट। हेलो मुइन साहब जी, आप कहा था 2 बजे, अब 2:30 बज ढाई बज गए जी। ओके थैंक यू, हो गया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। लेकिन लेकिन क्या, आई मीन अगर आप खुश नहीं तो मैं मना करूं? नो नो इट्स ओके। कब शिफ्ट करना है? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम अगेन, हमें उमर कोट जाने हैं, हम आएंगे वापस तो सब हो जाएगा। उमरकोट कब जा रहे हैं हम? इन अबाउट 2 आवर्स, 4:30 को क्या कहते हैं? 4:30। हाँ 4:30 बजे जाएंगे। जस्ट द 2 ऑफ अस, आई होप नो ऑब्जेक्शंस। नो नो ऑब्जेक्शंस एंड आई एम श्योर यू डोंट नीड एनीबडीज परमिशन। Of course not. आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। You know, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी आपसे कहती हूँ। आपके पापा को पता है? पुलिस पापा को सर्च कर रही है। पापा
called. उन्होंने कहा वो innocent है. I believe him, but my mother doesn't. Even my brother's not around. उसका phone बंद आ रहा है. And then ये minister साहब वो phone करा and he said I have to win the by-elections. I don't know how I'm going to do that. उर्दू तो मैं अब ठीक बोल लेती हूँ. जी, बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती हूँ. It's all because of you. लेकिन मुझे अभी उमर कोट के बारे में बहुत लर्न करना है. उसके पीपल लोग के बारे में, माय फादर पापा के बारे में. आई होप यू विद मी. यस, आई एम विद यू. थैंक यू, दैट्स रियली रियली स्वीट ऑफ यू. कि तुमने मुझे जलील करने की आखिरी कोशिश की. पहली कोशिश कब की थी? जब निकाह किया था. खैर, दस्तखत करो और जान छोड़ मुझे. याद है मानूर, हमारे निकाह वाले दिन भी तुम बहुत जल्दी में थे. आते हुए मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी तो कितने फोन किए थे तुमने. और आज भी देखो कितनी जल्दी है तुम. पंद्रह मिनट दूं तुम्हें, एक बार फिर सोच लो. आज ये दस्तखत इतने मामूली नहीं जितना तुम समझ रहे हो. दस्तखत करोगे या बातें करोगे? वैसे मैं मोहब्बत में तर्स खाने को नहीं मानता हूं, लेकिन सच बताओ मानू, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? अब ऐसी बात भी नहीं है, एक बार सोचा था मैंने, तरस भी आया था, लेकिन फिर अपने आप पर इतना तरस आ गया कि मैं तुम्हें भूल गई. सच्ची बताऊं तो आज किसी वक्त दुख भी हुआ था मुझे. खाला के बेटे हो इसलिए हमदर्दी आ जाती है तुम्हारे लिए. ऐसे भी तुम बुरे नहीं हो, नखरा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हें भी तुम जैसी कोई मिल जाएगी. अरे हाँ, उज्मा को नहीं बताया तुमने कि अब तुम अवेलेबल हो? वो जचेगी तुम्हारे साथ, उसे जो भी कहोगे मानेगी. दुपट्टा सर पे डालने की बड़ी फिक्र रहती है उसे. तुम्हारे काम की है बहुत.
चलो अब साइन करो, मुंह क्या देख रहे हो? जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। तलाक मांगी है उसने? लगता है तलाक हो गई। फोन आया था क्या? मेरा नंबर नहीं है उनके पास। काम हो गया खाला, मैंने दस्तखत कर दिए। ये फोटोकॉपी है खाला, इस पर रिसीविंग लिया उसने। ये नहीं पूछेंगे कि दोबारा कब आऊंगा? जब शादी कर लूंगा तो बीवी को साथ लेकर आऊंगा। तुम अपना ठीक से ख्याल रखना, मम्मी को तंग ना करना, और हार्ड बॉल से हेलमेट पहने बगैर मत खेलना। खुदा हाफिज। सुनो, जल्दी शादी कर लेना तुम। और उसी से कर लेना बेटा जो तेरा ख्याल रखती है। आप भी शक कर रही है ना मुझ पर? नहीं मेरे लाल, मैंने कभी शक नहीं किया। खाला हूं ना, हमदर्दी में मशवरा दे रही हूं। सात साल छोटी है मुझसे। ना बेटा, लड़की जब गैर मर्द को देखकर सर पर दुपट्टा ले लेती है ना तो बड़ी हो जाती है।
फिर 18 की हो या 28 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशवरा दे रही हूं, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। सुनो, फोन तो किया करोगे ना? उठा तो लिया करोगे ना? जी। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश। The dial number is powered off. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is powered off. पांच बज रहे हैं, निकाह कितने बजे होगा? रात को। फोन मिलाओ उसे, मेरी बात कराओ। आप क्या बात करेंगी, सुबह कह तो आई है जो कहना था। सुबह की बात कुछ और थी, अब तो वो मेरा दामाद होने वाला है। अच्छा चलो, तुम बात करो तो मेरी तरफ से भी कह देना कि सिर्फ निकाह नहीं होगा, साथ ही रुख्सत भी कर दूंगी तुम्हें। कपड़े जेवर जो अब तक बनाए थे वो निकाल कर रख दिए मैंने, अब तुम अपनी पसंद के बैग लेकर उनमें डाल लो, फरहान तुम्हारे फ्लैट पर छोड़कर आ जाएगा।
कोई जहेज वहेज का प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ, है तो बताओ, उसका भी हल है मेरे पास। 5 सालों से सेविंग के सर्टिफिकेट लेकर रखे हुए, वो कहे तो तुड़वा कर कैश दे दूंगी या फिर उतने ही पैसों में खरीद लेना जो जी में आए। ये पिछले निकाह की अंगूठी है, हादी उतार कर दे गया है, उसे पूरी आ जाए तो पहना देना। मेहमान तो कोई आएगा नहीं, इसलिए दुल्हे के अलावा 4 गवाहों की बारात आएगी, तो दुल्हे से पूछ लेना कि वो शौक से क्या खाएगा, मैं घर पर ही पका दूंगी। बारात का वक्त पूछकर बता दो तो मैं पकवाई के वक्त का अंदाजा कर लूं। वकार साहब कहाँ हैं? आपको नहीं पता? क्या मतलब? अभी तक नहीं आए, मैं सोच रहा था कि आपसे जाकर पूछ लूं। पहले तो कभी वो देर नहीं करते, आज पता नहीं क्यों देर कर दी। बेटा मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूं, अगर वो आ जाए तो उसे खाने का पूछ लेना, आज पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। जी अच्छा। कुछ मंगवाना है? नहीं कुछ नहीं। कल तुम कॉफी का बोल रही थी? वो तो ले आए थे आप। ओके फिर मैं चलता हूँ। खाने का पूछूं या? वैसे ही कह रहे थे आप, लगा कि कुछ बातें ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं। वापस आते ही जो जी में आए पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा मुझे।
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हादी साहब, अरे आप ये क्या कर रहे हैं जनाब? कमरे की सफाई कर रहा था, पिछले दो तीन दिन से ख्याल नहीं किया तो गंदा हो गया बहुत। आपके आने का पता ही नहीं चला, कब आए? चुपके से आया ना, आहिस्ता से गाड़ी खड़ी की, चोरों की तरह दरवाजा खोला और दबक कर बैठ गया कमरे में। तलाक हो गई? अरे देखा, इसी सवाल से डर रहा था, सोच रहा था कि आज कोई ना ही पूछे तो अच्छा है। दरअसल मैं तलाक ना होने की दुआ किया करता था, इसलिए पूछ लिया कि पता चल जाए दुआ पूरी हुई कि नहीं। दुआ पूरी नहीं हुई, तलाक हो गई। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, भली करिया है। अच्छो बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रानी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अब व्हाई शी कॉलिंग मी रानी जी? बिकॉज़ यू आर क्वीन। माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल हाउस, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? रानी साहिबा, अब यही पैदा हुई थी और मैंने आपको अपनी गोदों में खिलाया है। Really? If that's true, then you're like a mother to me. I mean, अगर ये सच है तो आप मेरी माँ की तरह हुई। नहीं 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 रानी साहिबा, मैं तो आपकी दासी हूँ। कैसे मतलब? रानी दीजिए, सुनेंगे तो बहुत दुख होगा आपको। रानी साहब आइए, मीरू साईं को उनका कमरा दिखा दो। ओके, सी यू। हाँ बाबा। बारात लेट है क्या?
जी। अच्छा मैं जरा कमर सीधी कर लूं, आंख लग गई तो जगा देना। जरा याद कर